गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम समीक्षा श्रीवास्तव। चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने ऑनलाइन क्लास की तरफ। अब इसमें हम लोग देखते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या है, किस क्लास के बारे में पढ़ना है। तो किस क्लास के बारे में पढ़ना है? पीजी के बारे में। हम लोग का कौन सा क्लास है? प्ले ग्रुप यानी कि पीजी। और सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। अब इंग्लिश में हम लोग को क्या पढ़ना है? अल्फ़ाबेट में हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? ए से लेकर के क्यू तक हम लोग पढ़ लिए हैं। ओके, अब हम लोग को आज क्या पढ़ना है? आर। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? लिखने की। आर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, आप लोग तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप लोग भेजते हो मैंने देखा है कि काफ़ी आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और चलिए आज हम लोग आर लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। क्या लिखने का प्रैक्टिस करते हैं? आर। आर फोर क्या होता है? आर फोर रेड। आर फोर रेड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग लाइन दे देंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारी जो इंग्लिश की कॉपी होती है वो कितने लाइन की होती है? फोर लाइन की होती है। 1 2 3 4 फोर लाइनिंग की कॉपी होती है। बट जो अल्फ़ाबेट है कैपिटल लेटर, वो हम लोग लिखते कितने लाइनिंग में है? 1 2 3 लाइनिंग में। तो सबसे पहले हम लोगों ने आर लिखने के लिए क्या किया? स्टैंडिंग लाइन दिए, फिर इसको यहाँ ला करके हम लोग मैच कर देंगे इस तरह से। ओके, फिर इसके बाद इस तरह से कर देंगे तो क्या हो गया? आर। फिर वैसे ही करेंगे, थ्री लाइन में ले जाएंगे, फिर करेंगे आर। आर फोर रेड। आर फोर रेड। जब भी आप लोग लिखिए इसको बोल करके लिखिए, आर आर फोर रेड। आर फोर रेड। आर आर फोर क्या होता है? रेड। आर फोर रेड। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन देंगे, फिर इस तरह से बनाएंगे। जिस तरह से आप लोग पी लिखते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको पी बनाना है, इस तरह से पी बना लीजिए, फिर यहाँ पे आर। ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस में लिखना है। ओके, थैंक यू।